Hello students, today our topic is societal impacts, and in this lecture we are going to discuss about intellectual property right. And in our last lecture we already discussed about netiquettes. This is the second part of societal impact. As you know, this is unit number 4 of the syllabus. So in this lecture our main focus is to discuss about patent, copyright and trademark, which is of course intellectual property right. So let's start. स्टूडेंट्स, पहले ये समझना होगा आपको कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या. ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का और डेफिनेटली एग्जाम में इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा. ओके, सो पहले आपको डिस्कस करते हैं हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, उसके बाद देखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या क्या होते हैं. अभी जैसा आप जानते हैं स्टूडेंट्स, सिलेबस चेंज हो चुका है आपका ऑलरेडी, और इस बार एग्ज़ाम का पैटर्न भी थोड़ा सा डिफरेंट है लास्ट ईयर से. इस बार टर्म वाइज एग्ज़ाम होंगे आपके. तो टर्म वन में आपका पाइथन और आपका सोसाइटल इम्पैक्ट्स, ये दोनों यूनिट आने वाले हैं आपके. टर्म टू में आपकी SQL जो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं वो, और नेटवर्किंग. सो सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं. इट इज़ अ प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय एप्लीकेशन ऑफ द ह्यूमन माइंड. सिंपल डेफिनेशन है, आई थिंक इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है. Intellectual property is a term referring to a number of distinct types of creations of the mind for which property rights are recognized in the corresponding field of laws, and it includes textiles, cosmetic, pharmaceuticals, machinery, books, etc., and all IP protected, and all are IP protected. IP means intellectual property. देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अगर एक लाइन के अंदर हम डिफाइन करें तो वो प्रॉपर्टी जो आपका क्रिएशन ऑफ माइंड है, ह्यूमन क्रिएशन ऑफ माइंड है. ठीक है, क्रिएटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ द ह्यूमन माइंड, ऐसे कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में आती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कोई इन्वेंशन किया है, किसी साइंटिस्ट ने, वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. किसी ऑथर ने एक बुक लिखी है, वो भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. एक सिंबल डिज़ाइन किया गया, वो भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. जैसे रुपीज़ का सिंबल था ना, तो वो भी डिज़ाइन किया गया है, तो वो भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. तो एप्लीकेशन ऑफ द ह्यूमन माइंड से जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं. तो इसमें बुक्स आ जाती हैं, इसमें म्यूज़िक कोई कंपोज करें वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ जाएगी. कोई आप इन्वेंशन करेंगे वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. कोई मशीन बनेगी, कोई साइंटिफिक वर्क है, ठीक है, इस तरीके का, तो वो भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आ जाएंगे. तो ये सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती है. तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ द ह्यूमन माइंड. ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा. चलिए थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको. देखिए, फिर सेकंड पॉइंट दे रखा है इसके अंदर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिफर्स टू द क्रिएशन ऑफ द माइंड. क्रिएशन ऑफ द माइंड वर्ड पर फोकस कर रखा है, इसलिए थोड़ा सा अलग कलर में मैंने मार्क कर दिया इसको. तो क्रिएशन ऑफ माइंड से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब है जो प्रॉपर्टी जो आपकी क्रिएशन ऑफ द माइंड से डब की गई है. जैसे इन्वेंशन, ठीक है, लिटरेसी वर्क है, कोई आर्टिस्टिक वर्क है, किसी ने बुक लिखी है, कोई आर्टिकल लिखा है, वो भी एक आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ही काउंट किया जाएगा. आर्टिस्टिक वर्क है कोई भी, किसी ने म्यूजिक कंपोज किया है, किसी ने कोई पेंटिंग बनाई है. सिंबल्स हैं, नेम्स हैं, इमेजेस हैं, कोई डिज़ाइन है, ये सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं. अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी हम बेसिकली टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिफर्स टू द क्रिएशन ऑफ द माइंड. सिंपल डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल है याद करना. और जब हम बात करते हैं क्रिएशन ऑफ द माइंड की, तो उसमें आते हैं इन्वेंशन, लिटरेसी, आर्टिस्टिक वर्क, सिंबल्स, नेम्स, इमेजेस, डिज़ाइंस यूज इन कॉमर्स. तो कॉमर्स में जो डिज़ाइन यूज़ किए जाते हैं कमर्शियल किसी पर्पज़ के लिए, वो सभी भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ही आते हैं. तो बात चल रही थी कि इसमें कैटेगरी क्या है इसकी. तो बेसिकली तो टू कैटेगरीज हैं. फर्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़. तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ में क्या आ जाते हैं, इन्वेंशन आ जाते हैं. इन्वेंशन के लिए हम पेटेंट कराते हैं, पता होगा, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहलाता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ट्रेडमार्क है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है. ट्रेडमार्क को हम अलग भी ले सकते हैं, काउंट कर सकते हैं. तो बेसिकली तो इसकी कैटेगरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की तो पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क होते हैं. लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, राइट की बात नहीं कर रहे. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या आएगा आपका, इन्वेंशंस, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस. कॉपीराइट में क्या आ जाएगा, लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क. तो कॉपीराइट हमेशा जो लिया जाता है ना, वो हमेशा लिटरेसी और आर्टिस्टिक वर्क के लिए लिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा. तो आगे देखते हैं इसको, थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं. तो
देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप समझ गए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन माइंड, जैसे ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए कुछ राइट्स हैं, ठीक है, और वो राइट्स क्या क्या हैं? वो राइट्स हैं पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन, डेटाबेस, ट्रेड सीक्रेट। तो ये सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आते हैं। लिखा भी हुआ क्लियरली, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज द क्रिएशन ऑफ द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल विच हैज़ द कमर्शियल एंड मोरल वैल्यूज। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ग्रांट एक्सक्लूसिव राइट टू द ऑथर फॉर यूटिलाइजिंग एंड बेनिफिटिंग फ्रॉम देयर क्रिएशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देखिए एक्सक्लूसिव राइट देता है ऑथर को, और ये राइट किससे रिलेटेड होते हैं? ये राइट रिलेटेड होते हैं यूटिलाइजिंग एंड बेनिफिटिंग फ्रॉम द क्रिएशन। जो भी कुछ उसने बनाया है उसे किस तरीके से यूटिलाइज करेगा, किस तरीके से उसका एडवांटेज ले सकता है, बेनिफिट ले सकता है, उसे यूज़ कर सकता है, सेल कर सकता है, तो इसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लिए जाते हैं आपके। तो ये एक्सक्लूसिव राइट होते हैं ऑथर को, जिसने भी आपका कोई इन्वेंशन किया है या कोई बुक लिखी है, ऑथर है कोई, या फिर किसी ने म्यूज़िक कंपोज किया है, तो उसके लिए ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दिए जाते हैं। ये अलग बात है कि इसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं, कुछ पेटेंट में आएंगे, कुछ कॉपीराइट में आएंगे, कुछ ट्रेडमार्क में आएंगे, कुछ डिज़ाइन में। ट्रेड सीक्रेट भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, ठीक है। तो बात यह है कि ये एक्सक्लूसिव राइट होते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये ऑथर को ये यूटिलाइजिंग एंड बेनिफिटिंग फ्रॉम द क्रिएशन, मतलब ये है कि किस तरीके से यूटिलाइज करेगा, किस तरीके से इसको बेनिफिट ले सकता है, ये एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड कराए जाते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के थ्रू। तो एक बार मैं फिर से रीड कर देता हूँ। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ क्रिएशन ऑफ द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल विच हैज़ अ कमर्शियल एंड मोरल वैल्यू। उसकी कमर्शियल वैल्यू भी है, मोरल वैल्यू। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल के पर्पज़ से या हम कहें कि उसे फाइनेंशियल बेनिफिट लेने के पर्पज़ से ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लिए जाते हैं, नहीं, उसकी एक मोरल वैल्यूज भी होती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लिए जाते हैं आपके। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दैट इज IPR ग्रांट्स एक्सक्लूसिव राइट टू एन ऑथर फॉर यूटिलाइजिंग एंड बेनिफिटिंग फ्रॉम देयर क्रिएशन। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली तो थ्री कैटेगरीज में आते हैं, और एग्जाम में भी उम्मीद है कि यही पूछे जाएंगे आपसे, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड एस्पेक्ट में देखें तो हम फिर पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क के साथ डिज़ाइन, डेटाबेस, ट्रेड सीक्रेट, ट्रेड सीक्रेट भी आपका इसमें आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में। तो मेन तो इसमें पेटेंट और कॉपीराइट है। पेटेंट और कॉपीराइट में कई बार डिफरेंस लिखने को आ गया, लेकिन पता आपको होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप्स है। तो चलिए इसको वन बाई वन थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पेटेंट की बात करते हैं, पहले बात करते हैं कॉपीराइट की, पेटेंट की बात करेंगे। ए कॉपीराइट प्रोटेक्ट समवन हु क्रिएटेड एन ओरिजिनल वर्क। एन ओरिजिनल वर्क कैन बी अ बुक, अ प्ले और अ वेबसाइट अमंग अदर्स, एंड द गोल ऑफ द कॉपीराइट इज टू प्रिवेंट अनऑथराइज कॉपिंग ऑफ योर वर्क। देखिए कॉपीराइट की सिंपल जो डेफिनेशन है, कॉपीराइट किसका लिया जाता है आप ये समझ लीजिए। कॉपीराइट लिया जाएगा, पहले तो ये समझ लीजिए कॉपीराइट लिया क्यों जाता है। कॉपीराइट लिया जाता है किसी का कोई ओरिजिनल वर्क है, ठीक है, जो उसकी खुद की क्रिएशन है, तो उसके लिए आपका कॉपीराइट लिया जाता है, फर्स्ट थिंग। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ए कॉपीराइट प्रोटेक्ट समवन हु क्रिएट्स एन ओरिजिनल वर्क। ओरिजिनल वर्क में यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पर किसी कोई ऑथर, किसी ने बुक लिखी है, कोई आर्टिकल लिखा है, कोई पोएम लिखी है किसी ने, ठीक है, कोई पेंटिंग है सपोज़, और हम कह सकते हैं किसी ने म्यूज़िक कंपोज किया है। तो ये जितने भी आर्टिस्टिक वर्क होते हैं ना, इन सभी के लिए कॉपीराइट लिया जाता है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कॉपीराइट का मेन पर्पज़ क्या है। बात ही कॉपीराइट की, सो कॉपीराइट में क्या आएगा, इन ओरिजिनल वर्क कैन बी ए बुक, ए प्ले और ए वेबसाइट अमंग अदर्स। तो जब हम ओरिजिनल वर्क की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर बात आती है आपकी आर्टिस्टिक वर्क, जैसे कोई बुक है, कोई प्ले है, ठीक है, कोई वेबसाइट है, तो ये सभी आपकी, इन सभी का कॉपीराइट लिया जाता है। और कॉपीराइट लेने का फाइन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, द गोल ऑफ द कॉपीराइट इज टू प्रिवेंट अनऑथराइजिंग कॉपिंग ऑफ ए वर्क। कोई भी आपका जो आपका वर्क है, जिसने भी कॉपीराइट लिया है, उसका वो विदाउट परमिशन ऑफ दैट पर्सन वो उसका यूज़ ना कर सके अनऑथराइज वे में, इसके लिए कॉपीराइट लिया जाता है। थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं इसको। देखिए कॉपीराइट क्या प्रोटेक्ट करता है आपका, लिटरेसी, कोई बुक है, कोई ब्लॉग है, ठीक है, तो ये सभी, इन सभी का कॉपीराइट लिया जाता है। और ड्रामेटिक, म्यूजिकल, कोई प्ले है उसके लिए, किसी ने म्यूजिक कंपोज किया उसके लिए, आर्टिस्टिक वर्क है, किसी ने कोई पेंटिंग बनाई उसके लिए, आर्किटेक्चरल वर्क है कोई भी,
तो इन सभी के लिए कॉपीराइट लिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए। कॉपीराइट कहाँ लिया जाता है? हमेशा आर्टिस्टिक वर्क के लिए कॉपीराइट लिया जाता है, ठीक है, और साइंटिफिक वर्क के लिए आगे हम देखेंगे, और उसके लिए पेटेंट लिया जाता है आपका। तो जब कॉपीराइट की बात आती है तो ये माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जितने भी आर्टिस्टिक वर्क होते हैं, वेदर दे आर रिलेटेड टू लिटरेसी, ड्रामा, म्यूज़िक, और ये दीज आर द डिफरेंट फील्ड्स, इससे रिलेटेड आपका कॉपीराइट लिया जाता है। तो कोई भी बुक लिखे किसी ऑथर ने तो उसका कॉपीराइट लेगा, कोई प्ले लिखा है किसी ने, किसी मूवी की स्क्रिप्ट लिखी है तो उसका भी कॉपीराइट लिया जाएगा, ठीक है। कोई म्यूज़िक कंपोज किया है तो उसका भी कॉपीराइट लिया जाएगा। देखा होगा आपने मूवीज़ में रिमिक्स बनता है तो कॉपीराइट लिया, कॉपीराइट ऐसे नहीं कि पहले कोई सॉन्ग है उसका तो म्यूज़िक आप एज इट इज़ ले सकते हैं, या फिर कोई किसी ने पोइम लिखी है या कोई भी सॉन्ग लिखा है तो उसको आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर उसका कॉपीराइट ले रखा है तो आपको पहले परमिशन लेनी होगी, उसके लिए पे भी करना होता है। उसी तरीके से आपका आर्टिस्टिक वर्क है, कोई पेंटिंग है, ठीक है, तो उसका भी कॉपीराइट कराया जा सकता है। जिसने भी वो पेंटिंग बनाई वो कॉपीराइट उसका करा सकता है, और उसकी विदाउट उसकी परमिशन, विदाउट दैट परमिशन कोई भी इस पेंटिंग को यूज़ नहीं कर सकता। इसी तरीके से डिफरेंट वर्क रिलेटेड टू आर्किटेक्चर, तो इसमें किसी कोई बिल्डिंग का आपका आर्किटेक्ट आपने बनाया है, कोई आर्किटेक्ट है कोई, तो उसने बनाया है किसी बिल्डिंग का डिज़ाइन तैयार किया है, तो वो भी आपका कॉपीराइट की कैटेगरी में ही आएगा। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो कॉपीराइट लिया जाता है बेसिकली वो आर्टिस्टिक वर्क का लिया जाता है, और डिफरेंट कैटेगरीज आपको यहाँ दे रखी है, उसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसमें कॉपीराइट और पेटेंट में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कहाँ कॉपीराइट होगा कहाँ पेटेंट लिया जाएगा। अब देखिए, थोड़ा इसी को समझाने के लिए, एलेबोरेट करने के लिए एक यहाँ पर स्लाइड दे रखी है। थोड़ा सा लाइसेंसिंग क्या होती है आपकी, या कॉपीराइट की लाइसेंस कैसे लिया जाता है आपने, तो लिखा हुआ है, व्हेन ए कॉपीराइट ऑनर गिव्स परमिशन टू अ पर्टिकुलर पार्टी टू द यूज़ ऑफ कॉपीराइटेड वर्क फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न, ठीक है, तो ये लाइसेंस देती है, जिसने कॉपीराइट ले रखा है वो लाइसेंस देगा कि हाँ आप यूज़ कर सकते हो। जैसे एक छोटी सी बच्ची है, ये कह रही है यू कैन यूज़ माई सॉन्ग कॉल्ड ओ, ये इसने सॉन्ग लिखा है कोई भी इसका अपना, म्यूज़िक कंपोज इसने मान लीजिए किया है अपना, तो कहती है कि हाँ आप मेरा सॉन्ग ले सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है, तो इसके पास कॉपीराइट है लड़की के पास। ये दूसरे किसी बच्चे से कह रही है कि आप इसका, मेरे पास कॉपीराइट है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, मैंने आपको इसके लिए लाइसेंस प्रोवाइड करा दिया। तो ये बेनिफिट रहता है कॉपीराइट लेने का। तो कॉपीराइट बेसिकली जो भी ऑथर होता है उसके राइट को प्रोटेक्ट करता है, जो भी उसकी ओरिजिनल क्रिएशन है उसके लिए, और ये आर्टिस्टिक वर्क के लिए लिया जाता है। एक बार और देख लीजिए इसको, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कॉपीराइट अलाउज ऑथर्स, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट एक्सेट्रा टू मेक मनी ऑफ ऑफ देयर लेबर। इट प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम टेकिंग देयर वर्क फॉर फ्री। इट ऑल्सो प्रिवेंट पीपल फ्रॉम ऑल्टरिंग द वर्क विदाउट परमिशन। तो सवाल ये है यहाँ पर कि जब कॉपीराइट ले लिया जाता है तो कॉपीराइट से क्या होता है हासिल, ठीक है। देखिए, कॉपीराइट जैसे मैंने बताया आर्टिस्टिक वर्क के लिए लिया जाता है, कोई ऑथर है, कोई म्यूजिशियन है, कोई आर्टिस्ट है, ये सभी कॉपीराइट लेते हैं अपने वर्क के लिए। तो इससे इनको एडवांटेज ये होता है कि जो भी उनकी मेहनत है, जो भी इनका वर्क है, उसके लिए ये पैसे कमा सकते हैं उसके लिए, ठीक है, उससे पैसे बना सकते हैं, टू मेक मनी ऑफ देयर लेबर। जो उन्होंने मेहनत की है उसका उन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है। सेकेंड बात यह है कि इट प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम टेकिंग देयर वर्क फॉर फ्री। दूसरा ये है कि जब आपने कॉपीराइट ले लिया तो फिर कोई भी पर्सन आपके काम को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ नहीं कर सकता, एटलीस्ट उसे परमिशन तो लेनी पड़ेगी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई देना नहीं चाहेगा एक अलग बात है, ठीक है, कॉपीराइट लिया इसलिए जाता है, तो कोई फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ नहीं कर सकता, फ्री में यूज़ नहीं कर सकता। और इसके साथ ही इट ऑल्सो प्रिवेंट पीपल फ्रॉम अल्टरिंग द वर्क विदाउट परमिशन। कोई भी आपके काम में चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, आपकी परमिशन के बगैर। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए एक स्क्रिप्ट है, मान लीजिए एक मूवी की स्क्रिप्ट है, तो किसी ने स्क्रिप्ट लिखी, अब उसमें अंदर चेंजेस कर दिए गए, थोड़ा बहुत तरह न्यू स्क्रिप्ट डिज़ाइन कर दी गई, तो बेस जो था उसका या बेसिक स्टोरी जो थी हम कह सकते हैं, तो उसके अंदर और चेंजेस करके आप एक न्यू स्टोरी को या एक न्यू स्क्रिप्ट को मूवी की नहीं प्रिपेयर कर सकते, आपको परमिशन उसके लिए भी लेनी पड़ेगी। तो ये एक बेनिफिट रहता है कॉपीराइट का।
सो एक बार मैं फिर से रीड कर देता हूँ. कॉपीराइट अलाउज ऑथर्स म्यूजिशियंस आर्टिस्ट एसेट्रा टू मेक मनी ऑफ देयर लेबर. इट प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम टेकिंग देयर वर्क फॉर फ्री. इट ऑल्सो प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम अल्टरिंग द वर्क विदाउट परमिशन. आई थिंक क्लियर हो गया होगा. चलिए आगे देखते हैं. बात करते हैं पेटेंट की. पेटेंट क्या है? पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय द अथॉरिटी टू द एप्लीकेंट ऑफ एन इन्वेंशन फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इन लियू ऑफ द फुल डिस्क्लोजर ऑफ हिज इन्वेंशन. तो बात करते हैं कॉपीराइट से पेटेंट कैसे अलग है. जैसे हम इवन थोड़ी देर पहले कॉपीराइट के बारे में डिस्कस किया था तो वहाँ एक बात बताई थी मैंने आपको, वो याद रखना है आपको. आर्टिस्टिक वर्क के लिए ठीक है आपका कॉपीराइट लिया था. पेटेंट आपका हम कह सकते हैं कि कोई इन्वेंशन है, कोई साइंटिफिक वर्क है, कोई न्यू मशीन डिज़ाइन की गई है. जैसे कोविड के लिए वैक्सीन प्रिपेयर की गई तो इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए पेटेंट लिया जाएगा आपके लिए. तो पेटेंट क्या देता है? पेटेंट इज़ एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय द अथॉरिटी टू द एप्लीकेंट ऑफ एन इन्वेंशन फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. अच्छा टाइम की बात आती है, टाइम की हम देखेंगे बाद में कि दोनों का कॉपीराइट का टाइम कितना होता है, पेटेंट का टाइम कितना होता है. लेकिन पेटेंट का टाइम कॉपीराइट के कंपैरिजन में बहुत कम होता है. पहली बात हम आगे देखेंगे थोड़ा डिटेल में, 20 ईयर्स के अराउंड होता है. दूसरा ये कि इन्वेंशन के लिए पेटेंट होता है आपका, ये ध्यान रखिएगा. अगर हम एक वर्ड अगर हम पिक करें कि पेटेंट किसके लिए ले लिया जाएगा तो याद रखिए इन्वेंशन के लिए. जितने भी इन्वेंशन होते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया ना, कोई साइंटिस्ट है उसने कुछ इन्वेंट किया है मान लीजिए ठीक है, तो उसके लिए उसे पेटेंट कराना पड़ेगा. आप और जैसे अभी वैक्सीन बनी है कोविड की, कोविडशील्ड है, कोवैक्सीन इंडिया में ही बनी है दोनों, तो इसके लिए क्या करा रखा है, पेटेंट करा रखा है. कॉपीराइट नहीं होगा क्योंकि कॉपीराइट तो आर्टिस्टिक वर्क के लिए होता है. कोई न्यू मशीन किसी ने डिज़ाइन की है या कोई इंजीनियरिंग वर्क है ठीक है, या कोई मशीन प्रिपेयर की गई है, साइंटिफिक वर्क है कोई, तो उन सब के लिए पेटेंट लिया जाता है, पेटेंट कराया जाता है. ये एक्सक्लूसिव राइट होता है. आगे देखते हैं थोड़ा और डिटेल में इसको. देखिए क्लियरली लिखा हुआ है पेटेंट इज़ अ प्रॉपर्टी राइट ग्रांटेड टू द इन्वेंटर बाय द पेटेंट ऑफिस. तो पेटेंट ऑफिस इन्वेंटर को ये प्रॉपर्टी राइट देता है जिसने भी कुछ इन्वेंट किया है उसके लिए. सो द राइट टू एक्सक्लूड अदर फ्रॉम मेकिंग यूजिंग ऑफरिंग फॉर सेल और सेलिंग और इम्पोर्टिंग द इन्वेंशन इन टू द ज्यूरिडिक्शन. तो एक बार पेटेंट कराने के बाद कोई भी आपके इन्वेंशन को यूज़ नहीं कर सकता आपके बिना परमिशन के, ना सेल कर सकता है ठीक है, ना बना सकता उसके जैसे. तो ये एक मेन पॉइंट है. सेकंड देखिए टाइम लिमिट की बात करते हैं इसमें. लिमिटेड बाय द टर्म्स 17 to 20 years. अब ये यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा. इसकी जो टाइम लिमिट होती है 17 to 20 years दे रखी है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं और आपको ऐसा कहीं मिलता है कि पेटेंट का टाइम पीरियड कितना है, तो 17 to 20 years के बीच में कुछ भी दे रखा हो या यही दे रखा हो, रेंज ही दे रखी हो 17 to 20 years, तो कोई बात ही नहीं है. और अगर इनमें बीच में कोई एक नंबर दे रखा है, फॉर एग्जांपल अगर ऐसे दे रखा है कि 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, तो फिर 20 ईयर्स पर आप टिक कर दीजिएगा ठीक है. तो ये भी ध्यान रखिएगा 17 to 20 years होता है ये. सो द लिमिटेड बाय द टर्म 17 to 20 years, द स्कोप ऑफ द पेटेंट, द ज्यूरिडिक्शन एंड सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ अदर पेटेंट्स एंड एग्रीमेंट्स. वंस इश्यूड पेटेंटी मस्ट इन्फोर्स द राइट. एक बार इश्यू हो गया तो फिर राइट को वो यूज़ कर सकता है जो भी पेटेंट के लिए उसे मिले हैं. तो कोई भी इसकी परमिशन के बगैर उसके प्रोडक्ट उसके इन्वेंशन को यूज़ नहीं कर सकता ठीक है. जैसे अभी वैक्सीन का फिर से मैं एग्जांपल देता हूँ, तो कोविड के लिए जो आपकी वैक्सीन आई है तो इसके लिए मान लीजिए कोवैक्सीन है या कोविड शील्ड है, तो जिस भी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसके लिए पेटेंट करा रखा है उसकी परमिशन के बिना कोई अदर कंपनी उसको यूज़ नहीं कर सकती उस फॉर्मूले को ठीक है. उसको फॉर्मूला पता भी चल गया तो भी यूज़ नहीं कर सकती, लीगली मार्केट में नहीं उतार सकती ठीक है, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी. तो ये पेटेंट का कॉन्सेप्ट था. चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा. बात करते हैं ट्रेडमार्क की. कॉपीराइट की बात हो गई, पेटेंट की बात होगी, अब बात करते हैं ट्रेडमार्क की. अब देखिए डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा. जितने भी आर्टिस्टिक वर्क होते हैं उनके लिए पेटेंट नहीं किया, उसके लिए सॉरी कॉपीराइट किया जाता है. जितने भी इन्वेंशंस होते हैं उनके लिए पेटेंट कराया जाता है. एक लाइन का तो डिफरेंस ही है. बात करते हैं ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है. ट्रेडमार्क एक्चुअली एक डिस्टिंक्टिव साइन है. सो ट्रेडमार्क इज़ अ डिस्टिंक्टिव साइन विच आइडेंटिफाइज द गुड्स एंड द सर्विस ऑफ वन कंपनी फ्रॉम दोज ऑफ अनदर. तो एक साइन है, एक सिंबल है, एक इमेज है ठीक है, एक लोगो है
जो एक कंपनी के प्रोडक्ट को दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से अलग करता है, बताता है। जैसे कोको कोला का दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, कोको कोला का अपना एक साइन है, ऐसे ही नाइक का अपना एक अलग साइन है। सभी कंपनी जितने भी ब्रांड होते हैं उनका एक अपना एक सिंबल होता है, ठीक है, एक लोगो होता है एक, तो उसके थ्रू उसके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है ईजिली। और ये किसके लिए होता है, ये एक्चुअली यूज़र के लिए दिया जाता है, ताकि जो यूज़र है ना वो उसको ईजिली पहचान सके, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सके और ये समझ जाए कि हाँ ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है। सो ए ट्रेडमार्क हेल्प्स कंज्यूमर टू आइडेंटिफाई एंड चूज बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन देयर रेपुटेशन एंड क्वालिटी। तो ऑब्वियसली जितनी भी कंपनी होती हैं जिनकी अपनी एक रेपुटेशन होती है या अपने अपनी गुड्स और सर्विसेज में क्वालिटी देती हैं, वो उनका अपना एक ट्रेडमार्क होता है, एक सिंबल होता है, एक साइन होता है, जिसके थ्रू उनके प्रोडक्ट को ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। और इसका बेनिफिट मिलता है आपका कंज्यूमर को, कंज्यूमर उसके थ्रू ईजिली आइडेंटिफाई कर सकता है और सेलेक्ट कर सकता है डिफरेंट प्रोडक्ट के बीच में। एक ब्रांड जो है उसका प्रोडक्ट जब उसे परचेज करना होगा, लेना होगा, तो ईजिली आइडेंटिफाई कर सकता है, पता लगा सकता है, क्योंकि वो तो देखने से ही पता चल जाता है। उसमें कुछ टेक्स्ट में आपको कुछ पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक साइन होता है, सिंबल होता है, इसके थ्रू किसी को भी पता चल जाएगा कि यहाँ ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है। देखिए आगे लिखा हुआ, व्हाट इज़ अ ट्रेडमार्क फॉर। ट्रेडमार्क किस लिए यूज़ होता है, ट्रेडमार्क आइडेंटिफाइज अ कंपनी टू द कस्टमर। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए, ट्रेडमार्क आइडेंटिफाइज अ कंपनी टू द कस्टमर एंड कस्टमर्स नोज दैट द ट्रेडमार्क, कस्टमर ट्रेडमार्क पहचानता है, जानता है, उसके थ्रू ही वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाता है। दे हैव लर्न टू ट्रस्ट दैट कंपनी मेक्स गुड प्रोडक्ट। उसको ये भरोसा होता है कि ये जो ट्रेडमार्क है, इसका जो साइन है, जिस कंपनी का है, ये कंपनी अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, तो उसके थ्रू वो उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेता है। तो 3 पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा अभी। ट्रेडमार्क आइडेंटिफाइज द कंपनी टू द कस्टमर, कंपनी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है ट्रेडमार्क कस्टमर के लिए। कस्टमर नोज दैट ट्रेडमार्क, कस्टमर ट्रेडमार्क को पहचानता है और ट्रेडमार्क के थ्रू ही वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाता है। दे हैव लर्न टू ट्रस्ट दैट कंपनी मेक्स गुड प्रोडक्ट, और ये जानता है कि ये जिसका ये प्रोडक्ट जिसका ये ट्रेडमार्क है, इसकी ये कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, तो उस प्रोडक्ट को पहचानने के लिए ट्रेडमार्क उसकी हेल्प करता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं, और टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। तो स्पेशली कॉपीराइट और पेटेंट के बीच में अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूज होते हुए देखा है मैंने, तो यह क्लियर डिफरेंस दे रखा है और आपको समझना है। अब चूंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ही आएंगे, लिखने को तो नहीं आएगा, तो वहाँ पर फिर इस तरह का कोई क्वेश्चन होता है जिसमें आप ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के बीच में कन्फ्यूज होते हैं, तो ये डिफरेंस आपको इस जो टेबल दे रखी है अभी आपको, इससे आपको डिफरेंस बहुत क्लियर हो जाएगा। देखिए कॉपीराइट के बारे में फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, प्रोटेक्ट एक्सप्रेशंस नॉट आइडियाज़। एक्सप्रेशंस को प्रोटेक्ट करते हैं, आइडियाज़ को प्रोटेक्ट नहीं करते। आइडियाज़ को कौन प्रोटेक्ट करता है, पेटेंट। सो प्रोटेक्ट आइडियाज़ दैट हैव बीन रिड्यूस्ड टू प्रैक्टिस, तो ये आइडियाज़ को प्रोटेक्ट करता है आपका पेटेंट। और ट्रेडमार्क क्या प्रोटेक्ट करेगा, गुडविल। सो ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट्स गुडविल एसोसिएटेड विद द मार्क, कंपनी को आइडेंटिफाई कर रहा है ना ये कि इस कंपनी का प्रोडक्ट है, तो गुडविल है कंपनी की, तभी तो उसका एक साइन है, उसी के थ्रू तो कस्टमर आइडेंटिफाई कर रहा है, पहचान है। गुडविल नहीं होती तो कस्टमर कैसे पहचानेगा। तो कॉपीराइट प्रोटेक्ट करता है आपका एक्सप्रेशन, पेटेंट आइडियाज़ और ट्रेडमार्क गुडविल। क्लियर। टाइम लिमिट की बात आती है, देखिए कॉपीराइट का जो टाइम होता है, लाइफ ऑफ द ऑथर प्लस 70 ईयर्स। तो लाइफ ऑफ द ऑथर मैक्सिमम मान के चलिए आप 100 ईयर्स, तो 100 + 70 कितना हो गया, 170 ईयर्स। तो कॉपीराइट का जो टाइम रहता है अराउंड 170 ईयर्स रहता है। और बेसिकली अगर आप इसे समझें तो ऐसे लिख सकते हैं कि लाइफ ऑफ द ऑथर प्लस 70 ईयर्स, तो ऐसे समझना चाहें ऐसे समझ लीजिए, अदरवाइज एक नंबर चाहिए तो आप 170 ईयर्स मान के चलिए। पेटेंट रहता है आपका 20 ईयर्स फ्रॉम फिलिंग, मैक्सिमम 20 ईयर्स, 17 to 20 ईयर्स मैंने पहले मेंशन किया था, तो 17 भी मिलता है कहीं तो वो भी ठीक होगा, ठीक है। ट्रेडमार्क 10 ईयर इंक्रीमेंट्स, तो ट्रेडमार्क एक बार आपने किसी कंपनी का कोई ट्रेडमार्क है तो आफ्टर एवरी 10 ईयर्स उसको वो रिन्यू कराना होता है, ठीक है, वो लाइफ टाइम नहीं रहता है। तो ये इसके साथ एक कॉन्सेप्ट है ट्रेडमार्क के लिए, तो 10 ईयर्स इंक्रीमेंट के साथ ट्रेडमार्क मिलता है आपका। लास्ट पॉइंट देखिए,
कॉपीराइट किसके लिए होता है? फेयर यूज़ के लिए। पेटेंट नो फेयर यूज़ नो रिसर्च एग्जम्पशन। और ट्रेडमार्क में अगेन लिखा हुआ है फेयर यूज़। इसका फेयर यूज़ होता है दोनों का, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का। ठीक है, अब थोड़ा सा और से डिटेल में पढ़ते हैं कॉपीराइट पेटेंट और ट्रेडमार्क के बीच में डिफरेंस को। तो अब थोड़ा सा और क्लियर इस टेबल के अंदर डिफरेंस को दे रखा है, तो यहाँ आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इट्स सब, किस पर्पस क्या है इसका। ट्रेडमार्क सब करता है ब्रांड को, कॉपीराइट ऑथर को, और पेटेंट इन्वेंटर्स को। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है आपका। पर्पस देख लीजिए, पहले बात करते हैं ट्रेडमार्क की। ट्रेडमार्क डिस्टिंग्विश प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, तो प्रोडक्ट और सर्विस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है आपका ट्रेडमार्क। कॉपीराइट प्रोटेक्ट ओरिजिनल क्रिएटिव एंड और इंटेलेक्चुअल वर्क, इंटेलेक्चुअल वर्क और क्रिएटिव वर्क को प्रोटेक्ट करता है आपका कॉपीराइट। और पेटेंट, सॉरी कॉपीराइट और पेटेंट क्या करता है, ग्रांट एक्सक्लूसिव राइट टू एक्सप्लॉइट एन इन्वेंशन। एक्सक्लूसिव राइट देता है कि जो भी इन्वेंशन है उसको किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। ट्रेडमार्क का एग्जाम्पल वर्ड्स, लोगोस, स्लोगन्स, कलर्स, इन सब का ट्रेडमार्क होता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कॉपीराइट म्यूजिक, आर्ट, फोटोग्राफी, ये सब कॉपीराइट में आते हैं। पेटेंट में क्या आएगा, जितने भी इन्वेंशन है वो तो ऑब्वियसली आएंगे आएंगे। साइंटिफिक वर्क, मशीनरी, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्नोलॉजीज, ये सब इसमें पेटेंट में आएंगे। ट्रेडमार्क जैसे भी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, आफ्टर 10 ईयर ऑफ इंक्रीमेंट, तो उसका कोई टाइम नहीं है, लेकिन हाँ 10 ईयर्स इंक्रीमेंट लगता रहता है, रिन्यू होता रहता है ट्रेडमार्क। कॉपीराइट 70 to 170 ईयर्स और पेटेंट 15 to 20 ईयर्स। आई थिंक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आपको। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक आज का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। एग्ज़ाम में दे रखा है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, इसके सिलेबस में दे रखा है आपको। ठीक है, और ये एक और टॉपिक है आपका प्लेजरिज्म। तो क्या है प्लेजरिज्म? प्लेजरिज्म इज़ यूजिंग अनदर पर्सन आइडियाज इन योर राइटिंग विदाउट गिविंग क्रेडिट टू दैट पर्सन। इन अदर वर्ड्स, प्लेजरिज्म इज़ द कॉपिंग इन्फॉर्मेशन एंड नॉट गिविंग द ऑथर्स क्रेडिट फॉर इट। किसी के काम की चोरी करते हो ना आप, आइडियाज़ की चोरी करते हो आप, और अपने नाम से इस्तेमाल करते हो उसको, यूज़ करते हो, तो उसे प्लेजरिज्म बोला जाता है। ठीक है, ये एक साइबर क्राइम है, तो पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। डेफिनेशन दे रखी है क्लियरली यहाँ पर। देखिए, अभी आप ये सोचें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो डेफिनेशन याद करने से क्या हो जाएगा आपको, अगर कॉन्सेप्ट का पता नहीं है, डेफिनेशन का पता नहीं। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, प्लेजरिज्म डिफाइंस, और फिर 4 डेफिनेशन दे रखी है। अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है, आपको कॉन्सेप्ट पता है उसका, तो आप एक डेफिनेशन, सही डेफिनेशन पिक करके उस पर टिक लगा दोगे। और डेफिनेशन नहीं पता है, आप खुद डाउट में हो, तो फिर आपको सभी ऑप्शन एक जैसे मिलते जुलते दिखाई देंगे, तो फिर वहाँ ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसलिए ये मत सोच के चलिएगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते समय आपको सिर्फ टिक लगाना होता है, आपको कॉन्सेप्ट का बहुत क्लियर आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, प्लेजरिज्म इज यूजिंग अनदर पर्सन आइडियाज इन योर राइटिंग विदाउट गिविंग क्रेडिट टू दैट पर्सन। तो जिसका वो ओरिजिनल वर्क है उसे क्रेडिट दिए बगैर अगर उसका काम यूज़ करते हो आप, तो ये प्लेजरिज्म की कैटेगरी में आता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज ए साइबर क्राइम। सो यू कैन सी दैट कॉपिंग इन्फॉर्मेशन एंड नॉट गिविंग द ऑथर्स क्रेडिट फॉर इट इज कॉल्ड द प्लेजरिज्म। क्लियर, थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं इसको। प्लेजरिज्म इज एन एक्ट ऑफ स्टीलिंग समवन एल्स क्रिएटिविटी, आइडियाज और लैंग्वेज। तो ये एक्ट ऑफ स्टीलिंग है, किसी के भी आइडियाज को, क्रिएटिविटी को और लैंग्वेज को अगर आप चोरी करते हो तो एक्ट ऑफ स्टीलिंग में आता है ये आपका, तो ये आपका प्लेजरिज्म की कैटेगरी में आता है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ चीटिंग एंड द करप्ट एक्ट। ये चीटिंग है, एक करप्ट एक्ट है। इन एडवांस कंट्रीज विद अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, प्लेजरिज्म इज कंसिडर्ड टू बी एन एकेडमिक क्राइम, बट इन ऑफन गोज अननोटिस इन सम कंट्रीज इंक्लूडिंग कम्बोडिया। अब देखिए, ये क्राइम है नहीं है, एक बात तो ये मान के चलिए ये आपका अनएथिकल तो है ही, और करप्ट एक्ट है, एक चीटिंग है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में इसको एक एकेडमिक क्राइम माना जाता है, कुछ कंट्रीज़ में इसे एकेडमिक क्राइम नहीं माना जाता। तो एडवांस कंट्रीज़ में तो इसे एकेडमिक क्राइम माना जाता है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ जैसे आपके कम्बोडिया हो गए, वहाँ ये आपका एक एकेडमिक क्राइम में कंसिडर नहीं किया जाता है इसको।
अब इसको भी अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें तो फिर ये डेलिबरेट प्लेजरिज्म और एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। आई थिंक वर्ड से ही क्लियर हो गया होगा डेलिबरेट का क्या मतलब है और एक्सीडेंटल का क्या मीनिंग है। सो डेलिबरेट में क्या होता है, रीराइटिंग फ्रॉम बुक्स और आर्टिकल्स, कॉपिंग एंड पेस्टिंग फ्रॉम वेब पेजेस एंड ऑनलाइन सोर्सेज टू क्रिएट अ पैचवर्क राइटिंग, बाइंग, डाउनलोडिंग और बोरोइंग ए पेपर, तो ये डेलिबरेट में आता है जब आप इंटेंशनली करते हो, ठीक है, रीराइट करते हो किसी बुक को, किसी आर्टिकल को, कॉपी पेस्ट करते हो किसी वेब पेज से जाके, तो आपको ऐसा तो नहीं आपसे गलती से हो गया, आपने किया है तभी हुआ है आपसे, ठीक है, या हम डाउनलोड करते हैं या बोरो करते हैं किसी पेपर को, ठीक है, तो ये सब भी किस में आता है, डेलिबरेट में। एक्सीडेंटल में क्या होता है, पता ही नहीं होता आपको, जैसे नॉट नोइंग व्हेन एंड हाउ टू साइट, आपको पता ही नहीं कैसे यूज़ करना है, नॉट नोइंग हाउ टू पैराफ्रेज और समराइज कैसे करना है, कर लिया आपने आपको पता ही नहीं चलना, पता ही नहीं है, नॉट नोइंग व्हाट कॉमन नॉलेज है, आपको ये पता नहीं कॉमन नॉलेज क्या है, एक्सपर्ट नॉलेज क्या है, रिसाइकलिंग एंड ओल्ड पेपर, किसी पुराना पेपर आपने उसे रिसाइकिल कर दिया, तो ये एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म में आता है। सो टू टाइप्स हैं इसके, डेलिबरेट एंड एक्सीडेंटल। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा वीडियो, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, एक बार बुक से और पढ़ लीजिएगा इसके टॉपिक को, यहाँ बड़ा शॉर्ट में मैंने पढ़ाया है, और देखिए फोकस कीजिए अब कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि MCQs आएंगे इसमें, तो फिर कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा उतना ज़्यादा आपको एडवांटेज मिलेगा। जैसे आज हमने आपको पढ़ाया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, तो याद रखिएगा कि पेटेंट, कॉपीराइट और बेसिकली ट्रेडमार्क इसके अंदर आते हैं, डेफिनेशन तो जो पढ़ाई थी वो तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। उसमें भी जैसे हम बेसिकली डिफरेंस का देखें तो पेटेंट और कॉपीराइट में, तो पेटेंट इन्वेंशंस के लिए होते हैं बेसिकली, और कॉपीराइट आर्टिस्टिक वर्क के लिए, ठीक है, और लास्ट में ये बताया था प्लेजरिज्म के बारे में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आज को समझ में आ चुका होगा, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक लेके सोसाइटल इम्पैक्ट्स के हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।